अस्सलामुअलैकुम। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मसाला ओट्स की रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है 4 बड़े चम्मच ओट्स, आधा चम्मच अदरक लहसुन, कैप्सिकम, एक कैप्सिकम जिसको हमने चॉप करके लिया है, एक गाजर है जिसको चॉप करके लिया है, ग्रीन वटाने लिए हैं, असली घी लिया है 2 चम्मच, कोथमीर पुदीना लिया है, आधा नींबू लिया है और आधी प्याज लिया है चॉप। मसाले में हमने लिया है आधा चम्मच लाल मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, जीरा आधा चम्मच और ये मैगी के क्यूब है वेज। पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे, गर्म हो जाए तो इसमें हम जीरा डालेंगे। जब हमारा जीरा थोड़ा सा भून जाए तो इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज हमारी हल्की सी पक जाए तो इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। और अदरक लहसुन को भी भून लेंगे। फिर हम इसमें ग्रीन वटाना डालेंगे, हमारी गाजर डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे और इसे भी इसके साथ भूनेंगे। इजी और टेस्टी बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, इसे हम सुबह अपने नाश्ते में ले सकते हैं, इसमें खूब फाइबर होता है। अभी हम हमारे पाउडर मसाले डालेंगे सारे और उसको भी थोड़े टाइम के लिए भूनेंगे। ये सारा ओट्स भी हम इसमें डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा ओट्स और ये वेजीज अच्छी तरीके से भून जाए तो इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। और ये पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हाई फ्लेम में पकने देंगे। जब हमारा ओट्स पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पक जाए उस टाइम में हमें ये नींबू का रस डालना है। और ये मैगी के मैंने 2 क्यूब यूज़ की हूँ वो इसको डालना है। ये कोथमीर पुदीना भी उसी टाइम पे डालना है।